नमस्कार इंडिया, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका एटीएम गुम हो गया है या अगर आपका एटीएम खो गया है या फिर आप फिर भी किसी भी कारण से अपने एटीएम को बंद कराना चाहते हैं तो कैसे आप ऑनलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग से बंद करा पाएंगे। सबसे पहले लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ई सर्विसेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद एटीएम कार्ड सर्विसेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ब्लॉक एटीएम कार्ड का, ठीक है। आप यहां से बड़ी आसानी से एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पे आपका सब कुछ डिटेल आ गया। अब मैं अगर कंटिन्यू कर दूंगा तो मेरा एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना है, ठीक है। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको ओटीपी या फिर प्रोफाइल पासवर्ड, ये दोनों में से एक चीज़ मांगा जाएगा और आपका इस तरह से बड़ी आसानी से जो एटीएम कार्ड है वो बंद हो जाएगा। आपको किसी कस्टमर केयर को कॉल नहीं करना है। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, पहली बार तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कस्टमर केयर को, कोई ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं से बंद हो जाएगा और कोई भी पैसे आपके एटीएम से नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि हम कैसे एटीएम को फिर से दोबारा मंगाएं, है ना। और दूसरे ऑप्शंस आपके पास मन में आ रहे होंगे कि मैं कैसे अपने एटीएम का पिन घर बैठे चेंज करूं, फिर कैसे आप एटीएम कार्ड के जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं उसको मैं कैसे घटाऊं, बढ़ाऊं, एटीएम नया एटीएम लिया उसको एक्टिवेट कैसे करूं। तो इन सब वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से हमारे चैनल को और बन जाइए हमारे परिवार का सदस्य। और इसी तरह से नीचे एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल हमारा और जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर आपको कई तरह के वीडियोस और कई तरह के इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।